सही कर रहे हैं। हो गया? हाँ रुक जाओ, अब देख लो, अब देख लो, आ गया साउंड। साउंड नहीं है, साउंड नहीं है। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है यहां से, साउंड आ गई होगी। आ गया साउंड ना? ओके ठीक है ठीक है, चलिए चलिए ओके, यहां पर साउंड आ गया है। और अब शुरू करेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्या, हम बात कर रहे थे मोटिवेशनल कोट की, आपने पढ़ लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और हमें रिवीजन करना है लास्ट मंथ का। हु वॉन द IOCL ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन चैंपियनशिप 2018? तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन चैंपियनशिप IOCL किसने जीता, ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर ध्रुव सचदेव होगा, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। कंप्यूटर जी आगे बढ़े और दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसका क्वेश्चन हम हमारे सामने क्या आ रहा है यहाँ पर देखें। चलिए, हाउ मैनी एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारे इंडिया के बीच में कितने एग्रीमेंट साइन हुए, ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको इसका आंसर देना है। अरे चलो ठीक है, साउंड वाउंड खत्म हो गया इशू ना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं और आकर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा। और जी हाँ, तीन एग्रीमेंट साइन हुए हैं। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है $300 मिलियन का, जो कि IIFCL के लिए है। एक एग्रीमेंट है $169 मिलियन का, जो कि तमिलनाडु के 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए है, वाटर सप्लाई एंड सीवेज प्लांट। और एक एग्रीमेंट है $105 मिलियन का, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए है, फॉर पावर फॉर ऑल। ठीक है, चलिए आइए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा? वेयर वॉज द इंडिया ताइवान SME डेवलपमेंट फोरम हेल्ड? इंडिया और ताइवान के बीच में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइसेस विकास फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया था? यहाँ पर 5 ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होगा? हम बात कर रहे हैं इंडिया की और ताइवान की SME डेवलपमेंट फोरम की, क्या इसका आंसर होगा ये आपको बताना है। ममता भगत जी बिल्कुल सही आपने कहा है। मोहम्मद असूफ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे, आप मुझे बताएं और जल्दी जल्दी मेरे क्वेश्चंस के आंसर करें। और ताइपे इज़ राइट आंसर, ताइपे में ये हुआ। ठीक है, हम ये मान रहे हैं आपकी बात, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा हमारे पास हैं, टाइम थोड़ा कम है, वैसे भी थोड़ा टेक्निकल इशूज़ की वजह से शो हमारा लेट से शुरू हुआ है। आइए देखते हैं। विच ई कॉमर्स कंपनी प्लान टू मर्ज विथ मिंत्रा विथ 10% ऑफ द कम्बाइंड वर्कफोर्स? तो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी 10% संयुक्त कार्यबल के साथ मिंत्रा के साथ विलय करने की योजना बना रही है, आपको इसका आंसर देना है। ये दोनों कंपनी फ्लिपकार्ट के अंडर में आती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जेबंग। जेबंग इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। कंप्यूटर जी आपको आंसर भी दिखा रहे होंगे। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को याद करते रहें, और जो बच्चे ये करंट अफेयर्स देख रहे हैं उनका 60 out of 60 आंसर आना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फॉर विच डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च अ हिस्टोरिक सपोर्ट एंड आउटरीच प्रोग्राम रिसेंटली? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस विभाग के लिए एक ऐतिहासिक समर्थन और आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया था, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत मिले हैं, तो आपको सही आंसर देना है। सही आंसर क्या होगा सुन लीजिए, हिस्टोरिक सपोर्ट एंड आउटरीच प्रोग्राम किसके लिए था ये आपको बताना है। और जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दे जो मैंने आपसे पूछा है, और इसका आंसर क्या होगा? MSME। MSME इज राइट आंसर गाइस, बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ ग्रेट ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ स्वामी भूमानंद तीर्था? इस बुक के ऑथर कौन है ये आपसे पूछा गया है और आपको सही आंसर देना है। यहां पर 5 ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होने वाला है गाइस। और अगर आपको हमारा शो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें। कल फिर हम मिलेंगे, कल हम मिलेंगे नई न्यूज़ के साथ, और साथ ही साथ आजकल जो संडे और मंडे को जो भी हुआ उसके MCQs भी आपको मिलेंगे वहां पर। ठीक है, और सही आंसर देना है आपको, क्या इसका आंसर होगा? और इसका आंसर होगा जी हाँ, निर्विशेषानंद तीर्था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। हम बुक की बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द 4th एडिशन ऑफ इंटेक्स साउथ एशिया 2018? इंटेक्स साउथ एशिया 2018 के 4th एडिशन का आयोजन किस शहर में हुआ ये आपसे पूछा गया है। न्यू दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू, नेपिटा, बेंगलुरु, आपको सही आंसर देना है, क्या इसका आंसर होने वाला है। स्वामी भूमानंद तीर्था है क्वेश्चन पे, आंसर कहां दिया है जी?
चलो, और इसका आंसर दो, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोलंबो। कोलंबो इज राइट आंसर। जिसका भी गलत आंसर है वो अपना मिला ले, ठीक है, कोलंबो इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज इंटरनेशनल स्टूडेंट डे ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा गया, और आपको इसका सही आंसर देना है। क्या इसका आंसर हो सकता है? जल्दी गाइस आंसर दे इसका, क्या इसका आंसर होगा? मोर देन 60 क्वेश्चन हमारे पास हैं। जो बच्चे पूरे वीक का करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नवंबर 17। नवंबर 17 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज नेशनल एपिल्सपी डे ऑब्जर्व इन इंडिया? और आपको इसका सही आंसर देना है। डेज भी इंपॉर्टेंट है हमेशा की तरह, तो आप क्या इसका आंसर देते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए बताएं मुझे क्या इसका आंसर होगा। राकेश कुमार कोई बात नहीं, नो आइडिया। आप हमारा करंट अफेयर शो देखें, नेक्स्ट वीक मंडे को जो हमारा यह सेशन होगा उसमें आपको बहुत सारे आइडियाज लग जाएंगे। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, इसका आंसर है 13 नवंबर। 13 नवंबर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज ओयो होटल्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया ऑपरेशन? तो ओयो ने भारत और दक्षिण एशिया के ऑपरेशन के लिए किसे अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है? यहां पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, सही आंसर आपको बताना है। क्या इसका सही आंसर होने वाला है? साढ़े 7:30 इवनिंग पे क्लास नहीं होती, 7:30 मॉर्निंग पे अब क्लास होती है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आदित्य घोष। आदित्य घोष इज राइट आंसर गाइस, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं जो आपके सामने है। गूगल क्लाउड ने किसे अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है, ये आपको बताना है। गूगल क्लाउड पर क्वेश्चन आ रहा है यहां पर कि गूगल क्लाउड ने किसे अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है, ये आपको बताना है। अभी ध्यान दीजिएगा, हम मंथली रिवीजन भी कराने वाले हैं आपका। वीकली तो हमारा चल रहा है, मंथली भी हमारा चलेगा, डे बाय डे भी रिवीजन चलेगा। मतलब करंट अफेयर्स इतना हम करवा देंगे आपको कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो भी आप टेस्ट सीरीज देते हैं, मॉक देते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है थॉमस कुरियन। थॉमस कुरियन इज राइट आंसर, कंप्यूटर जी भी आपको दिखा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नेम द हेड ऑफ द ट्रिब्यूनल सेट अप बाई द होम मिनिस्ट्री टू डिसाइड ऑन बैनिंग 2 मिलिटेंट ग्रुप्स फ्रॉम त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात यहाँ पर हो रही है, तो त्रिपुरा के 2 मिलिटेंट ग्रुप पर बैन करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। ट्रिब्यूनल मीन्स कोर्ट होता है एक तरह का। इसको लीड कौन करेंगे, इसके हेड कौन होंगे, ये आपसे पूछा गया है, और आपको सही आंसर देना है। क्या इसका आंसर है? जल्दी से आंसर दे यहाँ पर। और यहाँ पे चेतना का आंसर आ चुका है, संदीप का आंसर आ चुका है, शशांक का आंसर आ चुका है, अर्पण, प्रिया, वेरी गुड, फैंटास्टिक। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सुरेश कांत। सुरेश कांत इज राइट आंसर, सुरेश कांत इज राइट आंसर गाइज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं जो आपके सामने, जो कि बेस्ड अपॉइंटमेंट पर। तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रेक्सिट सेक्रेटरी बाई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे? तो इसका आंसर आपको देना है। आपको पता है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है, ठीक है। क्या इसका आंसर होने वाला है? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आपको सही आंसर देना है इसका। रोहित स्किप कर रहे हैं आप, अगले वीक मत करिएगा, हाँ सब पढ़ के आइएगा। तन्मय बधाई हो, आप त्रिपुरा से हैं यहाँ पर। और इसका आंसर क्या होगा? स्टीफन बाकले। स्टीफन बाकले इज राइट आंसर, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। हु इनॉग्रेटेड द कुंडली मनेसर सेक्शन ऑफ द कुंडली मनेसर पलवल वेस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेस वे ऑन 19 नवंबर? किसने इसका उद्घाटन किया? आपको इस फेरीफेरल, इस एक्सप्रेसवे का लेंथ पता होना चाहिए, मैं करा चुका हूं, तो ये लेंथ जरूर पढ़िएगा, बिकॉज लेंथ जो है वो इंपॉर्टेंट है। कितने सिटीज को ये टच कर रहा है, कितने स्टेट को ये टच कर रहा है, सब कुछ मैंने इंफॉर्मेशन दी है आपको, है ना। चलिए, नरेंद्र मोदी जी इज राइट आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन, आपको नाम बताना है, ऑन 19 नवंबर। ये एप्लीकेशन ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगा, ये मैं करा चुका हूँ, उसका आंसर क्या होगा? आइए और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन 15 की हम बात कर रहे हैं, क्या इसका सही आंसर होगा? और इसका आंसर है एनएससी गोबिट, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, युवाओं के लिए बुरी खबर आ रही है। हुक्का बार हैव बीन परमानेंटली बैंड इन विच ऑफ दिस स्टेट ऑफ इंडिया, यानी किस स्टेट के हुक्का बार को बंद कर दिया गया है? इस स्टेट के युवाओं को
मेरी सिंपैथी है, लेकिन हालांकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्या इसका आंसर होगा ये आपको बताना है। ये तीसरा स्टेट होगा आफ्टर गुजरात महाराष्ट्र, और ये जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी और जो देखेंगे बाद में, अपने अपने मार्क्स कमेंट में कर दीजिएगा मुझे कि आउट ऑफ 60 कितने मार्क्स आप लेकर आए हैं। पंजाब इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। हु अमंगस्ट दीज आर प्रेजेंटेड विद द सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑन 17 नवंबर 2018। तो सुमित्रा चरत राम अवार्ड प्रदान किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, किसको ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। आप इसका आंसर जानते भी होंगे। जी हाँ राकेश कुमार, पंजाब इज थर्ड स्टेट, हम सबको पता है। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं यहाँ पर। नेहा बोल रही है कि अभी 16 out of 16 चल रहा है। ठीक है ठीक है, अभी 60 है, 60 क्वेश्चंस हैं। और इसका आंसर क्या होगा? उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान इज राइट आंसर गाइज। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, विच पोर्टल इज द नेम ऑफ द न्यू ऑनलाइन ओपन लर्निंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च बाई द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। तो केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा लॉन्च किए गए नए ऑनलाइन ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है ये आपको बताना है। और क्या इसका आंसर होगा देखते हैं। चलिए अभिनव बिल्कुल सही, फैंटास्टिक, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और कूल इज राइट आंसर, कूल इज राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। फिर से एक बार अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। नए राजस्व सचिव कौन है? ये वही पर्सन है जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क की भी चेयरमैनशिप करेंगे और UIDAI की भी चेयरमैनशिप कर रहे हैं। मतलब इनके पास तीन वर्क होगा और आपको इसका आंसर देना है। नितिन कुमार, रेलवे स्टेज टू के लिए बहुत सारे वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए भी ले आ रहे हैं, परेशान ना हो। और आंसर इस अजय भूषण पांडे, अजय भूषण पांडे इज राइट आंसर गाइस। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20th की बात करते हैं। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह नोन एज द हीरो ऑफ द बैटल ऑफ लोंगेवाला ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वार पास्ड अवे। लास्ट टाइम भी जब मैंने ये क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपसे बोला था कि कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि किस दिन इनकी मृत्यु हुई। अब करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन बना दिया गया है, लेकिन डे आपको याद नहीं रखना है, आपको पर्सन का नाम याद रखना है और वो किस फील्ड से बिलोंग करता है आपको ये याद रखना होगा। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 17 नवंबर होगा, इसका आंसर 17 नवंबर होगा। 17 नवंबर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। बस आपको पर्सन का नाम और वो किस फील्ड से बिलोंग करता है यही पढ़ना होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। विच बॉडी वॉन द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजार्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2018। तो शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2018 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसने जीता है ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पीस डिजार्मामेंट डेवलपमेंट प्राइस की बात यहां पर हो रही है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर CSC, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई है। आइए आगे बढ़ते कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। हु अमंगस्ट दीज वॉज द विनर ऑफ द ATP फाइनल्स इन लंदन ऑन 19 नवंबर। मतलब कि लंदन में ATP फाइनल का विजेता कौन था जिसने कि नोवाक जोकोविक को हराया था, आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा? बॉर्डर मूवी पे, हाँ वो था, ठीक है सही बोले आप। और आइए और इस क्वेश्चन के आंसर दें जो हमने यहाँ पे बात की है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात की है। क्या इसका आंसर होगा? अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव इज राइट आंसर गाइस, बहुत बढ़िया आंसर आप दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। इन विच ऑफ दीज सिटीज विल द 8th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इन पुलिस विल टेक प्लेस ऑन 19 नवंबर 2018। पुलिस में महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। जी अलेक्जेंडर, चिंतन जी आप एंडी मरे बोल रहे हैं बेटा, सही कर लीजिए, ये अलेक्जेंडर ज़ेवरेव हैं, ठीक है। आइए और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दें। यहाँ पर चेतना बोल रही है रांची, ठीक है और देख लेते हैं। अभिषेक सिंह रांची बोल रहे हैं, अर्पण बनर्जी रांची, सौम्या रांची बोल रही हैं, रांची इज राइट आंसर गाइज, रांची बिल्कुल सही आंसर आपका है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। विच वीक विल बी ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द कंट्री फ्रॉम 19 to 25 नवंबर 2018, आपको ये बताना है। क्या इसका आंसर होगा? 19 से 25 नवंबर 2018 तक पूरे देश में कौन सा वीक मनाया जाएगा ये आपको बताना है। पिन कोड वीक है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक है, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट वीक है, आपको सही आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा?
और यहाँ पर आंसर आने शुरू भी हो गए हैं। सौम्या, चेतना, वेरी गुड, फंटासिक बेटा, हाँ ठीक है। प्रफुल्ल, सोनम, आरती, गोलू जी, बिल्कुल सही। मोहम्मद असू, बिल्कुल सही। नेशनल इंटीग्रेशन वीक यानी कौमी एकता वीक सप्ताह मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल द वेलवेट ग्लोब्स? द वेलवेट ग्लव्स उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है और इसका आंसर भी आपको पता होगा, ये क्लास में आपको पढ़ाया गया है। आपका क्या आंसर है देखते हैं। जी हाँ, एकता दिवस, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप लोग दे रहे हैं यहाँ पर। और अब आइए यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो बालकृष्णा कामत। बालकृष्णा कामत आंसर आ रहे हैं, बालकृष्णा कामत ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में आयोजित UIM F1S2O ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया किसने जीती? हु वॉन द यूनियन इंटरनेशनल मोटर एंटिक F1S2O ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया हिल्ड इन अमरावती आंध्र प्रदेश? आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको सही आंसर देना है इसका। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर शॉन टोरेंट होगा, शॉन टोरेंट इज राइट आंसर, ठीक है, शॉन टोरेंट इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। हु वॉज अप्रूव्ड एज द नेक्स्ट गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इसराइल फॉर 5 ईयर बाई इसराइल कैबिनेट? यानी इसराइल के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं 5 साल के लिए, ये आपको बताना है और आपको ये पता भी है मेरे ख्याल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं, आपको इसका आंसर देना होगा, क्या इसका आंसर है। हमारे पास 5 ऑप्शन है और देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। और इसका आंसर आना शुरू हो गया है, अमीर यारोन, अमीर यारोन इज राइट आंसर। रॉनी सिंह जी, बिल्कुल, अभी मेल मेल देखते हैं आपका मेल क्या था, हो सकता हो कि बहुत सारे मेल आते हैं तो आपका मेल छूट गया हो तो पीछे चला जाता है वो। अमीर यारोन इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। नेम द पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू टूरिस्ट सेक्रेटरी? तो नए पर्यटन सचिव किसे अपॉइंट किए गए हैं, ये आपको बताना है। रोशन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा। यहां पर हम पर्यटन सचिव की बात कर रहे हैं। आरती बोल रही है अभी तक 27 out of 27 चल रहा है, वेरी गुड, देखते हैं आगे क्या होता है। और आइए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्या इसका आंसर होगा, इस जल्दी से मुझे क्वेश्चन का दें। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है योगेंद्र त्रिपाठी, योगेंद्र त्रिपाठी इज राइट आंसर, योगेंद्र त्रिपाठी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। यहां पर नेम द पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे युवा मामलों का सचिव अपॉइंट किया गया है, देखते हैं क्या इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। 5 ऑप्शन हमारे पास है, सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, योगेंद्र त्रिपाठी वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात कर रहे हैं। सचिन जी कैसे हैं आप, जल्दी से मुझे मेरे क्वेश्चन का दें। और उपमा चौधरी इज राइट आंसर, उपमा चौधरी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू कोल सेक्रेटरी, हाल ही में नया कोयला सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? कोल सेक्रेटरी की बात हो रही है तो कोयला सचिव किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। क्या इसका आंसर आता है देखते हैं, चलिए आप लोगों से। यहाँ पर 5 ऑप्शन हमारे पास हैं, सही आंसर आएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। शुभम जी क्या हो गया, शुभम सोनकर जी क्या हो गया आपको, और इसका आंसर क्या है, सुमानता चौधरी, सुमानता चौधरी इज राइट आंसर, सुमानता चौधरी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। भारत जापान बिजनेस काउंसिल का कौन सा एडिशन कोनिकी वाई पुणे, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था? Which edition of Indo-Japan Business Council Koniki Y Pune Festival was held in Pune, Maharashtra? तो याद रखिए, यहाँ पर कोनिकी की बात हो रही है, कोनिकी Y Pune, ये कौन सा एडिशन था इंडिया और जापान के बीच में, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं कितना आंसर सही आता है यहाँ पर। देविका जी बार बार रिवीजन करें तभी आपके आंसर रिटेन हो पाएंगे माइंड में आपके, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट एडिशन था ये इंडिया जापान का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। वेयर वॉज द ऑल इंडिया हेड्स ऑफ पुलिस कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो अखिल भारतीय प्रमुख पुलिस संचार सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए
हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हमारे करंट अफेयर्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है, टेस्टबुक के करंट अफेयर्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि दुनिया भर की न्यूज़ तो जो है वो है, लेकिन वो आप रिटेन कैसे करते हैं। तो हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज इसीलिए किया बेटा कि आप जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ी एक दो दिन पुरानी न्यूज़ है। जी हाँ, हम वो हर न्यूज़ कवर करते हैं जो हमने आपको नहीं पढ़ाई है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है, ठीक है। और आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ राइट आंसर गाइस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं जो आपके सामने है। देखिए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जुआल ओरम हैज अनाउंस सेटिंग अप ऑफ 36 एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इन मेघालय, मेघालय बनेगा, विथ अ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ हाउ मच रुपीज, ये आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। चलिए नेहा जी, बिल्कुल दिल्ली वैली ठीक है, लगा आपने आप मूवी देखी है। यहाँ पे देखें, यहाँ भी एक मूवी चल रही है और इसका आंसर आपको देना है। और आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 720 करोड़। तो 720 करोड़ इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर रिलीज बाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन न्यू दिल्ली। आपको इनके ऑथर का नाम बताना है, क्या इनका नाम होगा। आइए जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दें, क्या इसका आंसर है। आपस में बातचीत नहीं जी, कंपटीशन करो। मुझे 60 out of 60 मार्क्स चाहिए। जो बच्चे मेरा शो देखते हैं मुझे नाम तो पता सबका, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। और इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, राजेश भट्ट, डॉक्टर राजेश भट्ट इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं आपसे। विलियम गोल्डमैन पास्ड अवे ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम कोलोन कैंसर एंड निमोनिया इन US। ही वॉज एन ऑथर एंड अ, आपके एग्जाम में फेमस पर्सनालिटी का नाम दिया रहेगा, उनका फील्ड पूछेगा जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, आपको सही आंसर देना है। आइए मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे जो मैंने आपसे पूछा है कि विलियम गोल्डमैन जो कि ऑस्कर विजेता थे ये क्या थे एग्जैक्टली में, आपको इसका आंसर देना है। और यहां पर चेतना बोल रही है स्क्रीन राइटर फिल्म मेकर कहाँ है जी, स्क्रीन राइटर पढ़ाएं, स्क्रीन राइटर इज राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। नेम द फुटबॉल प्लेयर हु बिकम द ओल्डेस्ट यूरोपियन इंटरनेशनल गोलकीपर, उस फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताएं जो सबसे उम्रदराज यूरोपियन अंतर्राष्ट्रीय गोलकीपर बन गया है, क्या इसका आंसर होगा। ये आपको बताना है, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, सही आंसर क्या होगा। स्क्रीन राइटर वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात हम करने जा रहे हैं, सही आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, जॉर्जी पेटकोव इज राइट आंसर, जो आप लोग यहां पर दे रहे हैं बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। तो बात हो रही है यहाँ पे हांगकांग में एक आयोजित यूनेक्स सनराइज हांगकांग ओपन 2018 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका सही आंसर देना है। ये क्वेश्चन सारे पढ़ाए जा चुके हैं आपको पहले भी, मंडे को आपकी रिविजन क्लास होती है, आपको ये पता है। आइए और आंसर दें, क्या इसका आंसर होगा। और यहां पर आंसर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल सही, सोन वान हो। तो सन वान हो जो है सही आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर हु वॉन द वुमेन्स डबल टाइटल ऑफ WTA ताइपे ओपन चैंपियनशिप हेल्ड इन ताइपे ताइवान। तो आपको इसका आंसर अब देना है, ताइपे ताइवान में आयोजित WTA ताइपेन ओपन चैंपियनशिप के महिला युगल का खिताब जीतने वाली भारतीय टेनिस जोड़ी का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको सही आंसर देना है। जी बिल्कुल सही, इसका आंसर है अंकिता रैना और करमन कौर थांडी, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब यहाँ पर बात हो रही है उज्ज्वला स्कीम के बारे में। उज्ज्वला स्कीम में किस IIT ने DSS सिस्टम लॉन्च किया है जो कि उज्ज्वला गैस कनेक्शंस को और ज़्यादा आगे पहुंचाएगा। DSS मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स का फुल फॉर्म है। तो किस IIT ने ये शुरू किया है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दें, थके नहीं, ये थकना भी नहीं है हमें, हमें और आगे जाना है, बहुत ज़्यादा आगे जाना है। चलिए और इसका आंसर है IIT खड़गपुर इज राइट आंसर। आज का 40th क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए। विच कंपनी विल एक्वायर, ये तो मैं पढ़ाया हूँ क्वेश्चन, मैं ये भी पढ़ाया हूँ, एक्वायर सेलियंस एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी कंपनी फॉर $1.4 बिलियन। तो किस कंपनी ने सेलियंस एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी फर्म था जिसका एक्विजिशन कर लिया है $1.4 बिलियन में, और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होने वाला है, जल्दी देखते हैं। और जी हाँ, ब्लैकबेरी इज राइट आंसर, ब्लैकबेरी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। नेम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ यस बैंक हु रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजिशन, यानी यस बैंक के स्वतंत्र निदेशक का नाम बताएं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या इसका आंसर होगा, ये आपको बताना है। आरती बोल रही है कि 40 out of 40 चल रहा है अभी, ठीक है अभी आगे देखते हैं, अभी और क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, और इसका आंसर क्या होगा जो मैंने आपसे अभी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 41, देखते हैं क्या इसका सही आंसर आप लोग देंगे। अभी तक आंसर तो नहीं आए हैं, और आंसर जी हाँ, आर चंद्रशेखर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। तो दुबई में आयोजित डीपी वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में सर कॉटन रुकी ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। नेम द फर्स्ट इंडियन हु वॉन सर हेनरी कॉटन रुकी ऑफ द ईयर इन डीपी वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप हेल्ड इन दुबई। यहां पर 5 ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से गाइस मुझे मेरे क्वेश्चन आंसर दें, और आंसर यहां पर आने शुरू हो गए हैं। शुभंकर शर्मा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे जो आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ एमओयू विथ एयरबस, इस एयरबस का नाम है बिजलैब, एज पर विच एन इनोवेटिव सेंटर विल बी सेटअप फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑल द एक्टिविटीज टू हेल्प द स्टार्टअप। यानी किस राज्य सरकार ने एयरबस बिजलैब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार स्टार्टअप को मदद मिलेगी, क्या इसका आंसर होगा। आंसर आप दे रहे हैं केरला, केरला इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड साइंड हाउ मच डॉलर लोन अग्रीमेंट फॉर झारखंड पावर इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी टू सिटीजन ऑफ झारखंड। तो भारत सरकार ने झारखंड सरकार के साथ झारखंड के नागरिकों को सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए झारखंड पावर इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए कितने डॉलर के ऋण समझौते पर साइन किए हैं, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा $310 मिलियन $310 मिलियन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल प्रोग्राम इन इंडिया इन न्यू दिल्ली ऑन 21 नवंबर 2018। तो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल की बात यहां पर हो रही है और आपको इसका आंसर देना है, आपको इसका आंसर पता होगा। रोहित शर्मा कोई बात नहीं है, मुझे 60 out of 60 चाहिए आप लोगों से बस। अगर इसमें इस वीक नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट वीक, यानी कि हर दिन के करंट अफेयर्स ठीक से पढ़िए और मंडे को धमाल मचाइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आप लोगों ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द भू आधार पोर्टल विच मेक्स लैंड रिकॉर्ड अवेलेबल टू पीपल विथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपसे पूछा रहा है कि किस राज्य ने भूधार पोर्टल लॉन्च किया है जो विशिष्ट पहचान संख्या वाले लोगों के भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है, क्या इसका आंसर होगा, आपको सही आंसर देना है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंप्लीमेंटेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 19 नवंबर 2018। आपको यह पढ़ाया गया है कि नेशनल इंप्लीमेंटेशन कमेटी जो बनाई गई है उसका चेयरमैन कौन होगा, याद करिए गुरु नानक जी के जन्मदिन की बात हो रही थी, मैंने पढ़ाया आपको ये चीज, और इसका आंसर क्या होगा। And the answer is Rajnath Singh is right answer guys. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन गिवन द एक्सपोर्ट एक्सेलेंस टैग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स हैंड वूवन कारपेट अराउंड द वर्ल्ड। आपको पता होगा, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर 5 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं, सही आंसर क्या होगा। हाँ ठीक है, राजनाथ सिंह वाला आंसर सही था, और यहाँ पर लखनऊ प्रिया मेहता गलत आंसर है आपका। हाँ अक्षय जी बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है भदोही इज राइट आंसर। किसी का क्वेश्चन गलत हो गया है यहाँ पर, बहुत लोग के क्वेश्चन गलत हो गया है, लखनऊ बहुत लोग बोल रहे हैं। वीर सिंह जी इसका आंसर क्या है, कॉमन में मैंने देख लिया भदोही इज राइट आंसर, आप लखनऊ बोले थे, आप लोग लखनऊ बोल रहे हैं, कई लोग भदोही इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे।
In which state Nirmala Sitharaman inaugurated the annual Shanghai Tourist Festival on 21 November? यानी कि निर्मला सीतारमन जी ने संगाई फेस्टिवल का उद्घाटन किया है किस स्टेट में, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहां पे हम 49 की बात कर रहे हैं, सही आंसर क्या होगा देखते हैं, आइए देखते हैं क्या इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर 50 क्वेश्चन के बाद मैं 2 मिनट टाइम लूंगा आपसे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये 49वां क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन, फिर 50 क्वेश्चन, तो 1 मिनट टाइम लेंगे, गैप लेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लें, हम बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसका आंसर है मणिपुर, मणिपुर इज राइट आंसर, मणिपुर इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50th की बात करेंगे जो यहां पर दिखाई पड़ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ द एस्टेक ईगल ऑन 20th नवंबर 2018। मैक्सिको का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि विदेशियों को दिया जाता है, आपको इसका आंसर देना है। जी हाँ, सोनम चौधरी जी बिल्कुल यहां का स्टेट एनिमल भी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एसपी गांगुली, एसपी गांगुली इज राइट आंसर, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब थोड़ी बात कर लेते हैं 1 मिनट की, जिसे हम लोग मन की बात भी कहते थे, बीच में रुक गया था, आज फिर शुरू करते हैं इसे। तो कल एक ऐसी चीज़ थी कि मैं सोच रहा था कि जब भी हम करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, करेंट अफेयर्स जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि हम कभी पूरे में पूरा नंबर नहीं ला पाएंगे, बहुत ज़्यादा है, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, हमें समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स कितनी आ रही है। एक बड़ी कड़वी सच्चाई मैं आपको बता दूं कि हम लोग डिसीजन तो ले लेते हैं कि हमें तैयारी करनी है रेलवे की, एसएससी की, बैंकिंग की, यूपीएससी, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन क्या हमको पेपर का पैटर्न पता होता है? अगर बिना पेपर पैटर्न के हम प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं तो हम भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा नहीं है, वो हमारी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, और बाद में हम परेशान होते हैं, हम रोते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें इच्छा नहीं थी, हम तो भीड़ को फॉलो किए ना। तो वो जो एनर्जी है, वो जो आग है, वो जो चिंगारी है, जो पैशन है, वो हमारे अंदर कभी नहीं आ पाएगा। तो बात समझिए, अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया कि चलो आपने भीड़ को फॉलो किया, अगर आपने डिसीजन ले लिया बेटा तो जो काम करने जा रहे हो तो पहले पता करो ना, उसमें मैथ कैसे आती है, रीजनिंग कैसे आती है, इंग्लिश कैसे आती है, पता नहीं आपके अंदर वो एटीट्यूड या एप्टीट्यूड है कि नहीं है, ये सब देखना पड़ता है। तो अगर आप बैंकिंग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो 6 मंथ आती है, लेकिन अगर आप एसएससी की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, इसमें 1 साल, कभी कभी 2 साल के भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो आपको अगर पता है कि हमारा एग्जाम आज से 6 महीने बाद होने वाला है तो हमें 1 साल की करंट अफेयर्स पढ़नी है, तो हमें पढ़ना चाहिए फिर जनवरी से। तो ये एक चीज ऐसी होती है कि पहले आपका माइंड यहां पे क्लिक होना चाहिए कि आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। दूसरी बात ये है कि कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो पाएगा, अगर आप सोचेंगे तो वाकई में नहीं हो पाएगा। स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ टारगेट करें, और एग्जाम के पास क्या है, एग्जाम के पास आकर डेली करंट अफेयर्स मत देखें। एग्जाम जब आपके 10 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, तो आपको मंथली पीडीएफ पे जाना चाहिए जहां से आप मैक्सिमम डेटा गेन कर सकें, इस बात को समझना होगा। तो करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट लीजिए, कंपटीशन करिए, ग्रुप बनाइए, आपस में क्वेश्चन करिए, तभी जाकर इसमें इंटरेस्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे आपसे। चलिए, तो हु हैज बीन नेम्ड एज द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड गुडविल एम्बेसडर ऑन 21 नवंबर 2018। तो 21 नवंबर को किसे संयुक्त राष्ट्र बाल निधि सद्भावना राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है, आपको उसका आंसर देना है। निर्णेश जी हाँ, जीके भी इंपॉर्टेंट है, अभी क्लास हमारी करंट अफेयर्स की हो रही थी तो हम उसकी बात कर रहे थे बेटा। आइए, और इसका आंसर क्या होगा, मिली बॉबी ब्राउन इज राइट आंसर, आप लोगों को पता है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन। आइए आगे बढ़ते हैं, और किसने अभिजीत बोस को भारत के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया है, आई थिंक आप लोग इसका आंसर दे देंगे, अभी हमारी लास्ट क्लास में ये बात हमारी चल रही थी, कैसे याद करें इसको। और सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, एंड राइट आंसर इज जी, हाँ, व्हाट्सएप इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द 50th यूनियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग हेल्थ विल बी हेल्ड इन, तो फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वां संघ विश्व सम्मेलन 2019 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका सही आंसर देना है।
जी हाँ नेहा शर्मा, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। आइए और आंसर दीजिए मेरे इस क्वेश्चन का जो मैंने आपसे पूछा है, क्या इसका आंसर होगा। जी हाँ, हैदराबाद इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। वसीम जाफर की बात हो रही है। वसीम जाफर ने किस खिलाड़ी ने रणजी में 11,000 रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये महाराष्ट्र से खेलते हैं और मतलब अगेंस्ट बड़ौदा इन्होंने बनाया था। क्या इसका आंसर होगा, आंसर बताइए। ये तो सबका सही हो जाएगा, मुझे पता है। मनीष, हमारे वेबसाइट पर जाएं बेटा, वहां पर आपको मिल जाएगा मंथली पीडीएफ हर दिन का। वसीम जाफर इज राइट आंसर। हाँ ठीक है, मान लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। तो वेयर विल द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक कॉन्क्लेव बी होस्टेड ऑन 27 नवंबर 2018। आपको इसका आंसर देना है, आंसर क्या होगा। चलो ठीक है, अब तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो ना, तो कुछ हेल्प तो मुझे करनी चाहिए ना। आइए आंसर क्या होगा। हाँ हाँ मैंने बता दिया, चलो ठीक है। मेरा भी कुछ फर्ज है तुम लोगों के लिए, वो फर्ज मैं अदा कर रहा हूं बस। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आबू धाबी। आबू धाबी इज राइट आंसर। जी हाँ जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट द एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2018 ऑन 21 नवंबर 2018। मतलब किसे एशिया का एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2018 दिया गया है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा। शिव कुमार, बिल्कुल बेटा आप ये सब मत सोचिए कि किस में कौन सा क्वेश्चन आता है। आप चाहें तो रेलवे के एग्जाम का पेपर उठाकर देख लें, बिल्कुल बैंकिंग की तरह करंट अफेयर्स पूछा गया, इंडेक्सेस, ब्रांड एम्बेसडर, बहुत सारी नई चीज़ें। और इसका आंसर क्या होगा, जी हाँ इसका आंसर है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 57 की बात करते हैं। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ऑन 21 नवंबर 2018। आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा। और भूलिए नहीं, जो बच्चे ये ऑफलाइन भी देखेंगे, अपने अपने मार्क्स मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कितने मार्क्स आप लेकर आए हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन नया नहीं है, सारे क्वेश्चन पुराने हैं, सब रिवीजन की बात यहाँ पर हो रही है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जी हाँ सिद्धार्थ राज इज राइट आंसर। आइए 58 की बात करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज बिगिन हर 2-डे विजिट टू विच कंट्री फ्रॉम 22 नवंबर 2018। आपको इसका आंसर देना है, एक भी क्वेश्चन आपको नया देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो नेक्स्ट वीक से मैं कुछ नए क्वेश्चन ऐड कर दूंगा इसमें, ताकि थोड़ा सा परेशान अभी तो हूँ। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर लाओस है, लाओस इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। विच स्टेट विल इम्प्लीमेंट सशक्त महिला योजना स्कीम टू एम्पावर रूरल वुमेन बाई प्रोवाइडिंग देम विथ एन इंटरफेस फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किस स्टेट ने ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्त महिला योजना लॉन्च की अपने स्टेट में, इसका आंसर क्या होगा। और आंसर आने शुरू हो गए, जी हाँ हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कितने एग्रीमेंट साइन हुए, अभी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले पहले प्रेसिडेंट बने, ये गए, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं ये आपको बताना है। और यहाँ पर आंसर अभी आना शुरू नहीं हुआ है, एंड आंसर इज 5 MOU साइन हुए। आगे बढ़ते हैं, 61 क्वेश्चन। चलिए, द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज डिसॉल्व द स्टेट असेंबली ऑन 21 नवंबर, यानी किस स्टेट के गवर्नर ने अपनी विधानसभा को भंग कर दिया है। आपको इसका आंसर देना है, और आपको उसका आंसर पता भी होगा शायद। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। जी हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे आंसर क्या, जम्मू एंड कश्मीर इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अगर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया दे दिया तो मैं उसे नहीं मान के आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म मेकर विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन अवार्ड। और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा।
जी हाँ, नंदिता दास इज राइट आंसर. नंदिता दास इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63. द यूएस हैज स्केल्ड डाउन इट्स एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर ईगल विथ विच नेशन. ये भी क्वेश्चन हम कर चुके, कुछ नया नहीं है यहाँ पे. सब याद करते रहो, बहुत काम की चीज है सारी चीजें. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा अभी तक आंसर, हाँ, साउथ कोरिया इज राइट आंसर. साउथ कोरिया इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं कंप्यूटर जी. प्रेसिडेंट कोविंद हैज अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन विच सिटी. मतलब कि प्रेसिडेंट जी ने उद्घाटन किया है, अनावरण किया है स्टैच्यू का महात्मा गांधी का, किस सिटी में, ये आपको बताना है. आइए देखते हैं. और यहां पर आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर आता है? एंड आंसर इज सिडनी. सिडनी इज राइट आंसर. ओके ओके. क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं यहाँ पर. एरिक सोलहिम रिजाइंड एज द हेड ऑफ द विच यूएन प्रोग्राम एमिड ऑडिट ऑन हिज ट्रेवल एक्सपेंसेस. ये भी हम क्वेश्चन आपको करा चुके हैं और आपको सही आंसर देना है. और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, मतलब कि हमने 65 क्वेश्चन किए हैं. आपको अपने मार्क्स अकॉर्डिंग टू 65 देना है. और जो बच्चे ऑफलाइन में दे रहे हैं, प्लीज एंड प्लीज मुझे मेरा आंसर क्वेश्चन का दे देना, ठीक है? और जी हाँ, यूएनईपी जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इज राइट आंसर. तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स रिवीजन जो हमने लास्ट वीक का किया है. आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा और आगे चल के आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी करंट अफेयर्स को रिटेन करने के लिए. रिटेन करना एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो हम खत्म करना चाहते हैं, जो टेस्ट बुक खत्म करना चाहता है. इतना बच्चों को पढ़ा दो कि वो चीज़ दिमाग में इस तरह बैठ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन होके ही जाए. यानी हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं है. हमें यह सोचना होगा, हमें अपने करंट अफेयर्स को और ऑसम बनाना होगा. आपका सपोर्ट भी चाहिए और प्लीज एंड प्लीज हमारे साथ आए, बने, हमारे वीडियो को शेयर करें और एक रॉकस्टार बने आप. और एक बात आपको और भी समझनी पड़ेगी जो कि मैं आपको समझा रहा हूं कि इतनी ज्यादा मेहनत करनी है, इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि मतलब जो सफलता है वो हमारे हमारे पीछे आ जाए. थ्री इडियट मूवी का डॉग सुना होगा आपने, है ना? और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, जो मोटिवेशनल कोट में आप मेरी आवाज़ सुन नहीं पाए, कि जो रिजल्ट होता है ना वो एक रात की बात नहीं होती है, उसमें मेहनत लगती है, महीनों की मेहनत लगती है, सदियों को मतलब क्या हो गया, आप 6 मंथ की बात कर लें, आप 1 ईयर की बात कर लें, मेहनत का रिजल्ट तब आता है. तो कभी घबराएं नहीं, कभी गिवअप मत करें, हमेशा कंटिन्यू लगे रहें क्योंकि ये फ्यूचर आपका है और आपका ये जमाना होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए इस तरह से. तो गाइज मिलते हैं फिर आपसे 7:30 पर. सबको हैव अ गुड डे और अपना ख्याल रखिए और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए. थैंक यू वेरी मच.